असलम फ़्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके दस्तखान को हमेशा सजाए रखे आमीन सुम आमीन इसी दुआ के साथ चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानब आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ क्लब सैंडविचेस क्लब सैंडविचेस जो कि बच्चों और बड़ों सबको ही अच्छे लगते हैं और आजकल की जो जनरेशन है इन्हें तो बहुत ही पसंद है तो चलें मैं आपको बनाना सिखाती हूँ क्लब सैंडविच क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमें जो अज्जा दरकार हैं इसमें शामिल है श्रेडिड चिकन 2.5 कप यानी ढाई कप इसे मैंने बॉईल कर लिया है और श्रेड बना लिए हैं चिकन के नमक टू टेस्ट पिसी हुई काली मिर्चें वन टीस्पून, स्पून ये क्या जब हम स्लाइसेस पे लगाएंगे इसलिए यहाँ पे मैंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की है मायोनीज़ इसे भी हम स्लाइसेस पे लगाएंगे तीन अंडे गार्लिक पेस्ट वन फोर्थ टीस्पून अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो वो आप ले लें इसी हिसाब से वन फोर्थ टीस्पून ये हायोनीस में डालेंगे इसलिए यूज़ किया है ये टोमेटो स्लाइसेस हैं मेरे पास और साथ ही खीरा है खीरा आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप का काट लें मैंने इस तरह से कटिंग की है साथ हैं ब्रेड स्लाइसेस मेरे पास सिक्स ब्रेड स्लाइसेस ब्रेड के हम कॉर्नर्स जो हैं हम बाद में रिमूव कर देंगे विनीगर है मेरे पास ये भी इसी में यूज़ होगा अच्छा विनीगर हम यूज़ करेंगे चिकन की फिलिंग में ये आपको मैं अभी सिखाऊँगी टूथपिक्स हैं टूथपिक्स हमने ली हैं सैंडविचेस को फ़िक्स करने के लिए ताकि वो गिरे नहीं क्योंकि क्लब सैंडविच में हमारे पास थ्री स्लाइसेस होते हैं जिन्हें हम लेयर बाय लेयर सेट करते हैं इन्हें फिक्स करने के लिए हमने टूथपिक यूज़ की है चलें चिकन फिलिंग बनाना सीखते हैं चिकन फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ चिकन ली है जो कि 2.5 कप है श्रेडिड चिकन इसे मैंने सिर्फ बॉईल किया हुआ है इसमें ये नमक और पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ये मायोनीज़ दिस वन इस प्लेन मायोनीज़ ये बिल्कुल प्लेन मायोनीज़ है इसके अंदर कोई गार्लिक ऐड नहीं है टू टेबल स्पून प्लेन मायोनीज़ इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये फिलिंग बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी जैसा मैं बता रही हूँ आप उसे फॉलो करें और आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये विनेगर ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे वन टीस्पून के बराबर विनीगर ऐड करने से बिल्कुल बाजार जैसी खुशबू आती है इसमें से टेस्ट भी बिल्कुल इसका बाज़ार जैसा लगता है हम जब सैंडविच खा रहे होते हैं एक अलग जो खुशबू होती है वो उस विनीगर की होती है जो मैंने इस फिलिंग में ऐड किया है फिलिंग बना के हम इसे एक साइड पे रख देंगे यहाँ हमारे पास ये ऑयल है ऑयल हम जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्लब सैंडविच में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है ये हम तवा गरम करेंगे इसके ऊपर हम चंद कतरे जो है वो ऑयल के डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ये हम रेड का स्लाइस रखेंगे उसे हल्का सा गोल्डन होने देंगे बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा नहीं करेंगे गोल्डन ये है कि बिल्कुल हल्का सा एक क्रिस्प आ जाए ये देखें इसी तरह से हम तमाम स्लाइसिस को गोल्डन कर लेंगे एक एक कर कर और बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे बिल्कुल हल्का हल्का सा क्रिस्पी तैयार हो जाए इसके बाद फिर हम अंडा फ्राई करेंगे ब्रेड गोल्डन करने के बाद हम एक साइड पे रख देंगे यहाँ हमने एक अंडा लिया है इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्चें एक चुटकी के बराबर डालेंगे और नमक भी डालेंगे इसमें हम एक चुटकी के बराबर और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे तवे पर हल्का सा ऑयल डालेंगे बिल्कुल हल्का सा ऑयल ज़्यादा नहीं और ये गरम गरम ऑयल पे हम ये अंडा जो है इसे फ्राई होने के लिए डाल देंगे एक साइड गोल्डन होने के बाद हम इसे पलट लेंगे साइड इसकी चेंज हो गई है ये देखें इस तरह से इसे गोल्डन कर लेंगे इसी तरह से हम ये बाकी के जो एग्स हैं इन्हें भी तैयार कर लेंगे ये देखें ये हमने तीनों अंडे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं नमक एक चुटकी और काली मिर्चें एक चुटकी एक अंडे में यहाँ हमारे पास ये मायोनीज़ है इसके अंदर हम ये पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे अगर आपके पास पहले से मायो गार्लिक मौजूद है तो आप उसे इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नहीं है तो उसे बनाने का ये तरीका है कि इसके अंदर पिसा हुआ लहसन डालें थोड़ा सा नमक डालें और अगर आपके पास पिसा हुआ लहसन पाउडर फॉर्म में तो ज़्यादा बेस्ट है और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं ये मायो गार्लिक हमारा रेडी है इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं यहाँ मैंने एक स्लाइस लिया है ये देखें इस तरह से मैंने इसे हल्का सा गोल्डन करा है ठीक है ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे इसके ऊपर जो है हम जो हमने अपना ये मायो गार्लिक रेडी किया है ये लगाएंगे थोड़ा सा कैचअप लगाएंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे अब इसके ऊपर जो है हमने जो अपनी ये चिकन फिलिंग तैयार की थी ये फिलिंग इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे याद रहे कि फिलिंग जो है वो हम कॉर्नर्स तक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर्स जो है बाद में हमने कट करने हैं अच्छी तरह से फैला देंगे फिलिंग को इसके ऊपर अब हम ये दूसरा स्लाइस रखेंगे इस तरह से दूसरा स्लाइस रखा इसके ऊपर हम दोबारा से मायो गार्लिक लगाएंगे और केचप लगाएंगे अच्छी तरह से फैला देंगे याद रहे कि जो तीसरा टोस्ट होगा उस पर भी हम इसी तरह से लगाएंगे मायों गार्लिक और कैचअप लेकिन फ़र्क यह होगा कि उसकी बैक साइड पे लगाएंगे टॉप पर नहीं लगाएंगे अच्छा अब इसके ऊपर हमने ये अंडा रख लिया है जो हमने तैयार किया था इसके ऊपर अब हम ये खीरे और टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे देखिए कितना कलरफुल लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है अब थर्ड स्लाइस को हम मायो गार्लिक को कैचअप लगा के ऊपर से कवर कर देंगे और कट कर देंगे याद रहे कॉर्नर्स को भी हम रिमूव कर देंगे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ क्लब सैंडविच को सर्व किया जाता है तो फ्रेंच, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए एक बड़ा आलू हमने लिया है और उसके ऊपर नमक टू टेस्ट और मैदा एक बड़ी चम्मच यानी कि वन टेबल स्पून डालकर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर को हमने इस्तेमाल किया है इसे मिक्स करने के बाद ये देखें ये स्टिकी स्टिकी सा हो जाए ना मैदा और इसको अब हम फ्राई होने के लिए रख देंगे कलर चेंज होते ही हम इसको निकाल लेंगे ये देखें हमारे सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं कॉर्नर्स को मैंने रिमूव कर लिया है और सैंडविचेस को कट कर लिया है ये देखें यहाँ पर कितने मज़ेदार और कलरफुल सैंडविचेस ये देखें फ़्राइज़ का कलर भी कितना अच्छा आया है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कीप वॉचिंग मरीम फूड डायरीज़ अपना फीडबैक देना ना भूलें दुआओं में याद रखें और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मरीम फूड डायरीज़ बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़